हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल सल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेकेंड पार्ट इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंट्रोडक्शन मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और इसका प्रिंसिपल और आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स और क्या एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो आइए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में तो जैसा हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस इट मीन्स इट इज़ द मूवमेंट और यू कैन से माइग्रेशन ऑफ दी चार्ज पार्टिकल थ्रू अ सोल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रोफोरिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो हमारे सैम्पल सोल्यूशन में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं मूव करते हैं अलग अलग रेट में और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं सेपरेट होते हैं मीन्स इलेक्ट्रोफोरिस क्या है एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम जो सैम्पल मोलिक्यूल में प्रेजेंट जो मिक्सचर ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसको सेपरेट करके हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं और जब कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन से मॉलिक्यूल्स का हम सेपरेशन करते हैं तो वो कैटाफोरेसिस कहलाता है और सेपरेशन ऑफ़ दी एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो एनाफोरेसिस कहलाता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस वाइडली यूज टेक्निक है इसको मोलिकुलर बायोकेमिस्ट्री में माइक्रोबाइलॉजी बायोकेमिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन एंड द एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन प्रोटीन मिक्सचर और डी एन ए और आर एन ए को सेपरेट करने के लिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है मोबिलिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स मीन्स उस सैंपल सॉल्यूशन में जो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में तो इसमें सोल्यूशन में पॉजिटिव मीन्स एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रॉड मीन्स कैथोड जो है सोल्यूशन में अप्लाई किया जाता है जिसमें कि चार्ज पार्टिकल्स और आयन्स होते हैं और जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है अक्रॉस दिस इलेक्ट्रॉड तो क्या होता है उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड मीडिया में वो माइग्रेट करते हैं इलेक्ट्रॉड्स की तरफ ऑफ अपोजिट चार्ज मीन्स उस सैम्पल सोल्यूशन में जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो आयन्स हैं मीन्स जो कैटायंस हैं वो नेगेटिवली चार्जो की तरफ मूव करेंगे और जो एनायंस है मीन्स नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो इस तरीके से उस सॉल्यूशन में अगर डिफरेंट टाइप्स के पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट रेट में माइग्रेट करते हैं मीन्स अगर सैम्पल सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ मूव करेंगे अलग अलग रेट में तो रेट ऑफ माइग्रेशन जो है वो डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स का वो डिफरेंट होगा और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं अलग अलग रेट में मूव करने की वजह से वो सेपरेट होते हैं तो अलग अलग रेट में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स वो क्यों मूव करते हैं जो उनका मूवमेंट होता है मीन्स जो माइग्रेशन होता है वो चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड होता है उस सैंपल में प्रेजेंट जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट और उसमें जो चार्ज होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका चार्ज टू मास रेशो होता है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग रेट में डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं और इसी वजह से जो कंपोनेंट्स होते, है, होते हैं वो डिफरेंट रेट में माइग्रेट होने की वजह से सेपरेट होते हैं तो जो मोबिलिटी होती है मीन्स जो मूवमेंट होता है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ द मोलिक्यूल मतलब कि जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतना वो जो मूवमेंट होगा उतना उसका स्लो होगा और जितना स्मॉल पार्टिकल होगा स्मॉल साइज होगा तो वो क्या होगा वो उतना ही फास्ट मूव करेगा और जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल मीन्स उन मॉलिक्यूल्स में जो चार्जेस हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस तो उसमें जितना ज्यादा उसमें नेट चार्जेस होगा उतना ज़्यादा उसकी मोबिलिटी होगी तो हमने यहाँ पे एक्ज़ाम्पल के लिए लिखा हुआ है जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होने की वजह से वो फास्ट मूव करता है एज कम्पेयर टू दी फाइब्रस प्रोटीन और दोनों का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो सेम होता है स्ट्रक्चर की वजह से उसका जो साइज़ की वजह से वो अलग अलग रेट में माइग्रेट करते हैं तो इन जनरली क्या होते हैं सब्सटेंस जो है वो सोल्यूबल मीन्स जो सैम्पल सोल्यूशन हम लेते हैं वो सोल्यूबल होते हैं उसमें चार्जेस अगर होते हैं और अगर सोल्यूबल नहीं होते हैं तो उनको सोल्यूबल बनाते हैं उसमें चार्जेस दिए जाते हैं आइदर बाय आयोनाइजेशन और बाई अटैचिंग द चार सब्सटेंस उसमें अटैच करके ताकि वो सूटेबल हो फॉर द इलेक्ट्रोफोरिस ताकि इलेक्ट्रोफोरिस के थ्रू उसका सेपरेशन करके हम एनालिसिस कर सकें इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जब हम इलेक्ट्रॉड्स में जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो वोल्टेज डिफ्रेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉड मीन्स उसके बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है उसको हम किस से डिनोट करते हैं ई इक्वल्स टू वी बाय डी ई क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट है मीन्स इलेक्ट्रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और V क्या है V इज़ द वोल्टेज और d क्या है d इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉड तो माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स जो है माइग्रेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करेंट और वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट इफ़ द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इस क्यू कोलम मीन्स अगर उस मॉलिक्यूल का चार्ज जो है क्यू है और विलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल वी है तो उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा वी इक्वल्स टू ई क्यू बाय एफ तो यहाँ पे एफ क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि क्या है इन्वर्सली प्रपोर्शनल है टू द वी इसी कारण से जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना जो है मॉलिक्यूल का जो मोबिलिटी है वो मूवमेंट है वो स्लो होगा वो रिटार्ड होगा और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है मीडियम के विस्कोसिटी पे और जो मॉलिक्यूल है उसके साइज शेप और, और उसका है वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स और उसका मैट्रिक्स का पोर साइज हो गया और मीडियम जैसे मान लो मीडियम का विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी कम होगी अगर साइज़ ज़्यादा है मॉलिक्यूल का तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा और इस तरीके से उस मॉलिक्यूल की मोबिलिटी कम होगी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी मीन्स उन चार्ज मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो मूवमेंट होता है यहाँ पे उसको से डिनोट कर रहे हैं म्यू से डिनोट कर रहे हैं तो म्यू ऑफ एन आयन मींस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ एन आयन इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी टू द पोटेंशियल ग्रेडिएंट तो यहाँ पे क्या हुआ म्यू इक्वल्स टू तो वी बाय ई और वो किसके बराबर है q बाय f मींस चार्जेस बाय फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है और एफ़ की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करते हैं तो म्यू इक्वल्स टू क्यू बाय सिक्स बाई आर ईटा तो यहाँ पे क्यू क्या है चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स म्यू क्या है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल इन सेंटीमीटर ऑफ द मीडियम पॉइस में ईटा है मीन्स जो मोबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है रेडियस से मतलब कि जितना ज़्यादा साइज होगा उस मॉलिक्यूल का उतना ज़्यादा उसका रेडियस मतलब उतना कम उसकी मोबिलिटी और यहाँ पे क्यू क्या है चार्जेस मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा मॉलिक्यूल का उतना ज्यादा उसकी मोबिलिटी होगी क्योंकि म्यू इक्वल्स टू म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस दस इन इलेक्ट्रोफोरिस मोलिक्यूल आइडेंटिकल और सिमिलर चार्जेस अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर मॉलिक्यूल्स में अगर सिमिलर चार्जेस है तो को हम सेपरेट कर सकते हैं इफ़ द मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स अगर उसमें डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स है तो किसपे डिपेंड होता है उसके साइज शेप विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड द रेडियस तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है सपोर्टिंग मीडियम है मीन्स जेल है और इसके यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें सैंपल लोड कर दिया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते ये बफर सोल्यूशन है और यहाँ पे ये कैथोड है इलेक्ट्रॉड है और ये एनोड इलेक्ट्रॉड है कैथोड मीन्स नेगेटिव एनोड मीन्स पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या हो रहा है जितने भी उसमें जो नेगेटिव आयंस हैं एनायंस हैं मीन्स वो किधर मूव कर रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरेसिस और और जितने भी उसमें पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं मीन्स जो कैटायंस हैं वो किधर मूव करेंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ मूव करेंगे और उसको क्या बोलेंगे हम कैटाफोरेसिस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ है और जितने भी कैटायंस हैं वो कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ है और दोनों कैथोड और एनोड इलेक्ट्रॉड यहाँ पे और ये क्या है ये पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई करने पे पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी तो क्या क्या फैक्टर्स हैं तो जस्ट अभी हमने आपको डिस्कस किया उसी को हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है मोलिकुलर चार्जेस नेट चार्ज और द चार्ज ऑन द आयंस तो जैसा हमने आपको बताया था आयंस में जो चार्जेस हैं अगर वो ज़्यादा होते हैं तो माइग्रेशन भी ज़्यादा होता है माइग्रेशन रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ द मोलिक्यूल और जो मोबिलिटी होता है वो पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय माइग्रेटिंग एट द डिफरेंट रेट मोलिकुलर शेप एंड द साइज स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्टर माइग्रेट करते हैं जैसा हमने आपको बताया और जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो एज कम्पेयर टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल वो स्लो मूव करते हैं अगर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट शेप है बट सिमिलर साइज है तो वो भी डिफरेंट रेट में माइग्रेट करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मोबिलिटी डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्योंकि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंट होता है वो उस मॉलिक्यूल के शेप पे भी डिपेंड करता है उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हमने आपको बताया तो रेट ऑफ माइग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू बाई डी वी वेल वोल्टेज है क्यू इज़ द चार्ज ऑफ द आयन और डीज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं कॉस द प्रपोर्शनल इंक्रीज इन द रेट ऑफ द मोबिलिटी मोबिलिटी भी उतनी ही बढ़ेगी और जो रेट ऑफ माइग्रेशन होता है है वो रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और किस पे डिपेंड करता है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम से बफर सॉल्यूशन जो बनाया है उस पर उसका कंसेंट्रेशन में इसके बाद नेक्स्ट है आयोनिक स्ट्रेंथ जो मॉलिक्यूल की मोबिलिटी कब इंक्रीज होगी जब आयोनिक स्ट्रेंथ जो है उसको डिक्रीज किया जाएगा मस्ट अपोजिट रिलेशन होता है यहाँ पे और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है बफर के पीएच पे कॉमनली हम बफर यूज़ करते हैं फॉर्मेट एसिटे साइट्रेट बोरेट फॉस्फेट ई डी और बफर जो है वो सैम्पल और सपोर्ट मीडियम से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट है विस्कोसिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ़ द मीडियम जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उस मीडियम की जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज़ होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है और इसकी वजह से जो मोबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस तो दो मेन टाइप के इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स होते हैं जिसको क्लासिफाई किया गया है डिपेंड अपॉन दी प्रेजेंस और दी एब्सेंस ऑफ द सपोर्टिंग और स्टेबलाइजिंग मीडियम मीन्स सपोर्टिंग मीडियम यूज किया गया है या नहीं यूज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्लासिफाई किया गया है तो सबसे पहला है फ्री सॉल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं और दूसरा है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस तो डिफरेंट टाइप्स के मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं जैसे कैपिलरी आइसोटैकोफोरेसिस इमिनो इलेक्ट्रोफोरिस आइसो इलेक्ट्रो फोकसिंग और इसके बाद है नेक्स्ट जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल तीन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल्यूलोस एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस तो ये सारे टाइप्स हैं तो वो तो आइए जानते हैं कि मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है फ्री सोल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा कि नाम है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें कि चार्ज मॉलिक्यूल का माइग्रेशन होता है किसमें फ्री मूविंग सोल्यूशन में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग मीडियम Means इसमें कोई भी सपोर्टिंग मीडियम यूज़ नहीं किया जाता है फ्री सोल्यूशन में जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं इसमें क्या किया जाता है सैंपल सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्यूब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube है जिसमें कि क्या कर दिया गया है इसमें बफर सॉल्यूशन को फिल कर दिया गया है और सैंपल यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है ये बफर सॉल्यूशन है और यहाँ पे नीचे इस तरीके से जो देख रहे हैं लाइनिंग में ये क्या है ये सैंपल सॉल्यूशन है सैंपल सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स इस सैंपल को हम कहा से इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब का जो साइड आर्म होता है वहां से सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रो एट द एंड ऑफ द ट्यूब जो ट्यूब का एंड होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाता है आप देख सकते यहां एनोड और यहां पे कैथोड जब अप्लाई करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो दो सॉल्यूशन है यहां पे जो सैंपल सॉल्यूशन हो गया और ये बफर सॉल्यूशन है इसके बीच में आप देख सकते हैं बाउंड्री ये बाउंड्री आपको विजिबल है अब इसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाता है तो इस सोल्यूशन में प्रेजेंट जो डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो माइग्रेट करने लगते हैं यहां पर ए नेगेटिव है वो ए नेगेटिव किधर मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ तो आप यहां पर देख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो प्योर ए नेगेटिव आयन है जो एनायन है वो किधर मूव कर रहा है एनोड की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पे मूव किया और जितने भी बी प्लस और सी प्लस मीन्स जो पॉजिटिव आयन है वो किधर मूव किए वो कैथोड मीन्स नेगेटिव आयन की तरफ मूव करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाउंड्री है यहाँ पे क्या था ये दोनों बाउंड्री आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्री आप जो देख रहे हैं ये वाला जो बाउंड्री देख रहे हैं ये बाउंड्री किधर हुआ इधर मूव हुआ इधर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है इसी कारण से यहाँ यहाँ पे जब आयंस का मूवमेंट होता है तो जो बाउंड्री है वो मूव हो जाता है इसी कारण से इसको मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं क्लियरली आप यहाँ पे बाउंड्री देख सकते हैं इधर का और यहाँ पे किस तरीके से बाउंड्री जो है मूव किया जब आयंस जो है मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस तो इस तरीके से जो है आयन्स जो हैं सेपरेट होते हैं तो बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस और आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप डिफरेंस देख सकते हैं लेकिन इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का कुछ डिसएडवांटेज है मीन्स कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है और रिजोल्यूशन जो होता है वो कम है मिक्सिंग ऑफ द सैंपल एज वेल एज ओवरलैपिंग अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योर भी सेपरेट तो हुआ है लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है बी और सी भी और इस इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड में हम प्रिपरेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे कि नाम है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो सपोर्टिंग मीडिया के प्रेजेंस में किया जाता है मूविंग बाउंड्री था वहाँ पे हम सपोर्टिंग मीडिया यूज़ नहीं करते हैं फ्री सोल्यूशन में ही चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है माइग्रेट होते हैं लेकिन यहाँ पर जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में सपोर्टिंग मीडिया यूज़ किया जाता है और जो मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो डिसएडवांटेज है वो एलिमिनेट होता है बाई यूजिंग द स्टेबलाइजिंग मीडिया और जब स्टेबलाइजिंग मीडिया यूज करते हैं तो उसको हम जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं और इसमें क्या होता है जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो चार्ज पार्टिकल है उस सैंपल में वो माइग्रेट करते हैं मूव करते हैं जो कि किस पे सपोर्ट होता है उन, सपोर्टेड ऑन दी के थ्रू ऑन इनर्ट होमोजेनस सॉलिड फ्रेमवर्क है या जेल फ्रेमवर्क है उसमें उसके सपोर्ट में वो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं तो इस तरीके से उस सपोर्टिंग मीडिया में जो डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग जगह सेपरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जोन और इसी कारण से इसको हम जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं Different types के supporting media जो डिफरेंट टाइप्स के सपोर्टिंग मीडिया जो यूज किया जाता है वो है पेपर एगरोस सेल्यूलोस पॉली एग्राइल एमाई जेल्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं तो सबसे पहले हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जानते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर यूज करते हैं वॉटमेन फिल्टर पेपर यूज किया जाता है ऑफ ग्रेड वन और थ्री और इसको यूज करते हैं हम ऐसा सपोर्टिंग मीडिया और जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट जैसा हमने आपको बताया था उस मीडियम के पी पे डिपेंड करता है और जो आयंस का जो मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है और जो आयंस जो मॉलिक्यूल्स इसमें जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग तो क्या किया जाता है इस फिल्टर पेपर में मीन्स जो सपोर्टिंग मीडिया हम लिए हैं उसको मॉइस्ट किया जाता है बफर सोल्यूशन में और बफर सोल्यूशन में मॉइस्ट करने के बाद उस फिल्टर पेपर के दोनों एंड को हम बफर सोल्यूशन का जो रिजर्वायर है जिसमें कि क्या है इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें डिप कर दिया जाता है दोनों एंड को और उसके बाद सैंपल के स्पॉट को हम उस पेपर के सेंटर में अप्लाई करते हैं और हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और जो स्पॉट्स जो होते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस और इलेक्ट्रोफोरिस के बाद जो सेपरेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है बाय डिफरेंट स्टेनिक टेक्निक और किस पे डिपेंड करता है डिपेंड अपॉन इट्स केमिकल आइडेंटिटी मीन्स वो केमिकल क्या है कौन से टाइप के केमिकल्स को डिटेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हम जो है स्टेनिंग टेक्निक यूज करके उस पर्टिकुलर जो डिफरेंट स्पॉट्स हैं उन केमिकल्स के उन चार्ज मॉलिक्यूल्स के उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं ऐसे स्टेनिंग रिएजेंट और ये जो है यू लाइट में फ्लोरेसेंस होता है और उसके बाद अमीनो एसिड पेप्टाइड्स और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरेसामीन यूज़ किया जाता है और यू वी में देखा जाता है 260 से 280 नैनोमीटर में अमीनो एसिड पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए के अलावा प्रोटीन्स को भी स्टेन किया जाता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू इन एसिटिक एसिड एसेट, न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड फॉर द दे डिटेक्शन तो इस तरीके से डिफरेंट जो है स्टेनिंग टेक्निक यूज करके हम डिफरेंट स्पॉट्स को डिटेक्ट करते हैं पर इलेक्ट्रोफोरेसिस हम अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए उसका एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं सिंपल और इकोनॉमिकल मैथड है रूटीन लेबोरेटरी यूज में हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर सकते हैं क्लॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज और डिफरेंट जो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए सीरम के एनालिसिस कर सकते हैं टाइप के पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं हॉरिजेंटल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस अकॉर्डिंग टू तो द ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर एंड वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पे आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो पेपर है उसको इस तरीके से हॉरिजेंटल रखा जाता है जैसा हमने आपको बताया था इस फिल्टर पेपर को पहले जो है मॉइस्ट किया जाता है विद द बफर और उसके बाद उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से हॉरिजेंटल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट आता है और यहाँ पे क्या करते हैं मॉइस्टर्न जो पेपर है फिल्टर पेपर है उसको रखा जाता है हॉरिजेंटली प्लेस किया जाता है यहाँ पे सेंटर में जैसा हमने आपको बताया था सैंपल को स्पॉट किया जाता है और फिल्टर पेपर का जो दोनों एंड है वो कहाँ डीप होता है आप देख सकते हैं ये जो फ़िल्टर पेपर का स्ट्रिप है वो उसका जो एंड है बफर सॉल्यूशन में डीप है और एक तरफ क्या है एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड है एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉड है और उस सैंपल जो हमने स्पॉटिंग की है उस सैंपल में जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है उसके चार्जेस के अकॉर्डिंग जो है वो माइग्रेट करते हैं टूअर्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉड एट अ डिफरेंट रेट और वो सेपरेट होते हैं ऑन सपोर्टिंग मीडिया पेपर और दूसरा है वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो जैसा कि नाम है यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है उसको वर्टिकली प्लेस किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिल्टर पेपर का स्ट्रिप है जिसको वर्टिकली जो है यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे क्या करते हैं सेंटर पे सैंपल को अप्लाई किया जाता है लिखा हुआ है सैंपल एप्लीकेशन पॉइंट फिल्टर पेपर का जो एक एंड है वो बफर सॉल्यूशन में है एक तरफ जहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड अप्लाई किया गया है और उसके बाद दूसरा जो एंड है वो दूसरे बफर सोल्यूशन के रिजर्व आय में है जहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉड अप्लाई किया गया है तो इस तरीके से जो उसमें सैंपल में जो प्रेजेंट डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो दोनों तरफ माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग चार्जेस अगर उसमें है, तो वो की तरफ और तो तो यहाँ पे देख सकते हैं है, है, यहीं पे ही हम वर्टिकली जो है पेपर को रखते हैं तो आप यहां पे देख सकते है किस तरीके से ये जो राड है, इसमें फिल्टर पेपर को किस तरीके से वर्टिकली प्लेस किया गया है और जो दो सेक्शन हैं बफर सॉल्यूशन रखने के तो एक जो है एक एंड जो है एक बफर सॉल्यूशन के जवायर में और दूसरा एंड दूसरे बफर सॉल्यूशन के जरवायर में यहाँ पे बीच में क्या है पार्टीशन है तो एक तरफ एनोड और एक तरफ जो है कैथोड इलेक्ट्रोड होता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मीन्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है और कितने टाइप्स के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन होता है इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो